रुचि आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। कारगिल युद्ध के कुछ सैनिकों का नाम हम सभी जानते होंगे क्योंकि उनका नाम उनके योगदान की ही तरह अमर है। तो वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी हैं जिनके नाम 1999 से आज तक पे गुमनाम हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी जान देश के नाम न्योछावर कर दी। भारत के कई ऐसे वीर जवान हैं जिनका नाम भारत के लोग नहीं जानते, लेकिन उन सभी योद्धाओं ने कारगिल युद्ध में अपना योगदान से इस युद्ध में भारत की विजय का परचम लहराया है। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 ये वही तारीख है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी सेना को हराया था, लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया था जबकि 1363 जवान घायल हुए थे। भारतीय जवानों ने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा देश के रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। इन जाबाजों के शौर्य की कहानियां आज भी हमें गर्व महसूस कराती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही वीर जवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने देश के नाम अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऐसे ही एक जवान है चमन सिंह। चमन सिंह का परिवार पहले से ही देशभक्त फौजी परिवार है। उनके ताऊ बलवंत सिंह के पुत्र अमरपाल सिंह 1962 के युद्ध में शहीद हो गए थे और दूसरे ताऊ लक्खी सिंह के पुत्र कृपाल सिंह 28 जून 1999 को अपनी फौजी ड्यूटी पर लौट आए थे। नायक चमन सिंह तेपतिया 28 मई 1999 को ही अपने परिवार से विदा लेकर जम्मू निकले थे। उनके परिवार में विधवा पत्नी शकुंतला देवी, 8 वर्ष पुत्र कपिल और 5 वर्ष पुत्र गौरव थे। 1000 की आबादी वाले इस गांव में अभी भी 20 साल की पारिवारिक सेना कारगिल युद्ध के समय 4 जाट बटालियन नियंत्रण रेखा से सटे हुए काक्सर सेक्टर में तैनात थी। काक्सर भूभाग 15,000 फीट से ऊंचा व प्रायः बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र के विशेष चोटियों में .5608, .5605 और .5280 थे व इनके टॉप तक पहुंचना अत्यधिक कठिन व दुर्गम था। 4 जाट बटालियन व जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स दोनों 121 इंफैंट्री ब्रिगेड के नियंत्रण में काम कर रहे थे। ब्रिगेड की योजना .5608, .5605 और .5220 और .5280 से शत्रु सेना को निष्कासित करके वापस कब्जा करने की थी। सिपाही सोरन सिंह कुंतल का जन्म 22 फरवरी 1971 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के गांव उन्मेद की नगरिया में किसान अर्जुन सिंह एवं श्रीमती वीरमती देवी के परिवार में हुआ था। वर्ष 1990 में ये भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती थे। ऐसे ही ना जाने कितने नाम हैं जिनके बारे में हम लोग पूरी तरह से नहीं जानते। आज हम आपको उन लोगों के नाम से रूबरू कराएंगे जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। अर्जुन राम बनवाना, राइफल्स बनवारी लाल बगरिया, हरफूल सिंह कुल्हारी, कैप्टन अनुज नायर, मेजर सिंह, इसी तरह के और जाने कितने नाम हैं जो जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो सारे वीर हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में, देश के उस पाकिस्तान को भगाने में काफ़ी अपनी इन्होंने कुर्बानी दी है। आज कारगिल के युद्ध को तो काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन आज भी उन शहीदों को याद कर हमारी आंखें भर आती हैं कैसे उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया और देश उनकी ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।